माता कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वन के लिए प्रस्थान किया। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा को सहते हुए, वनों तथा पहाड़ों को पार करते हुए वे कुछ समय के बाद गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां पंचवटी की शोभा देखकर सीता जी मुक्त हो गईं। चारों ओर फल फूल से लदे घने वृक्ष थे। पास ही निर्मल जलधारा बह रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य देखकर उनका मन खुश हो गया। तीनों ने मिलकर वहां एक पर्णकुटी बनाई और उसमें रहने लगे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर राम के सामने आई और कहने लगी, मैं राजकुमारी हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। श्री राम ने उसे अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण समझ गए कि यह राक्षसी है। उन्होंने उसे टालने की बहुत कोशिश की। दोनों भाइयों के मना करने पर वह क्रोधित हो गई। वह अपने वास्तविक रूप में आ गई। वह सीता जी को मारने के लिए झपटी। रामचंद्र जी का इशारा पाकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए। इस पर वह अपमानित होकर विलाप करती हुई अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची। वहां जाकर बोली, पंचवटी में तो राजकुमार एक सुंदर स्त्री के साथ ठहरे हुए हैं। उन्होंने ही मेरी यह दशा की है। रावण ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो उठा। उसने बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। वह अपने मामा मारीच के पास गया और बोला, मामा जी, हमें शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना है। आप स्वर्ण मृग बनकर मेरे साथ पंचवटी चलिए। मारीच ने बहुत समझाया कि श्रीराम से बैर करना अच्छा नहीं, किंतु रावण नहीं माना। अंत में मारीच ने स्वर्ण मृग बनना स्वीकार कर लिया। स्वर्ण मृग बनकर मारीच पंचवटी आया। सीता ने उसे देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गईं। इससे पहले उन्होंने सोने का हिरण कभी नहीं देखा था। उन्होंने राम से कहा, देखिए यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है। आप जैसे भी हो इसे मेरे लिए ले आइए। राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपा और धनुष बाण लेकर हिरण के पीछे चल पड़े। हिरण चौकड़ी भरता हुआ राम को बहुत दूर ले गया। जब वह पकड़ में नहीं आया तो राम ने बाण छोड़ा। बाण लगते ही हिरण, हे लक्ष्मण कहकर धरती पर गिर पड़ा। यह मारीच की चाल थी। ताकि लक्ष्मण श्रीराम की मदद के लिए आए और रावण सीता को चुरा ले। यह करुण आवाज सीता ने जब सुनी तो लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। जाने से पहले लक्ष्मण ने मंत्र पढ़कर कुटी के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींच दी। फिर सीता जी से कहा, भाभी, यह रेखा आपकी रक्षा करेगी, आप इसके बाहर मत निकलना। लक्ष्मण के जाते ही कुटी को सूना देखकर रावण मुनि का वेश बनाकर कुटिया के निकट आया और भिक्षा मांगी। द्वार पर आए भिखारी को भिक्षा देना धर्म है। यह सोचकर सीता जी कंदमूल फल लेकर कुटिया के द्वार पर आई। रावण ने रेखा के अंदर पैर नहीं रखा। उसने कहा, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, भिक्षा देनी हो तो रेखा के बाहर आकर दीजिए। भिक्षा देने के लिए जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, रावण उन्हें उठाकर
आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो सीता को वहां न पाकर बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। अब उनकी समझ में आया कि यह तो सब राक्षसों की माया थी। वे पछताने लगे कि नकली स्वर्ण मृग के पीछे पड़ गए। उन्होंने असली सीता को खो दिया।